कानपुर देहात में स्कूल से घर जा रही छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। 15 वर्षीय छात्रा चांदनी पाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत। साइकिल सवार थी छात्रा, ट्रक को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम, रसूलाबाद बेला मार्ग किया जाम। पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने में लगा। मौके पर उप जिलाधिकारी रसूलाबाद नीलिमा यादव एवं क्षेत्रीय विधायक पूनम शंखवार रही मौजूद। घटना से मचा हड़कंप। रसूलाबाद के सभी मार्गों पर रहता है रेडी पटरी एवं दुकानदारों का अतिक्रमण। प्रशासन रहता है मूक दर्शक। जिम्मेदारों द्वारा RPS स्कूल के पास मोड़ होने के बावजूद एवं स्कूल के लिए किसी भी तरह के संकेतक नहीं लगाया गया एवं ना ही कोई ब्रेकर बनाया गया है। कोतवाली रसूलाबाद कस्बा के RPS स्कूल के सामने का मामला। राम कुमार कहाँ रहते हैं? पालनगर। आज जो घटना हुई है, वो जो बिटिया थी वो कौन थी? आप बहन थी। कैसे, क्या घटना हुई? घर से कोचिंग पढ़ने आती, ठेला से टक्कर लगी, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गई। सूचना आप लोगों को कैसे मिली? सूचना फोन किया गया मेरे पास। तो क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या, ड्राइवर बुलाया, जो मालिक बुलाया जाए, कुछ जो कुछ हो किया जाए सर। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो बिटिया खत्म हुई कितने साल की थी? 18 साल की थी। स्कूल से घर लौट रही? हाँ, घर लौट रही थी। कोचिंग पढ़ने कहाँ आई थी? कोचिंग पढ़ने RPS स्कूल के पास आई थी। हाँ, रसूलाबाद आई थी। क्या मानते हैं कि ये जो अतिक्रमण नगर पंचायत के द्वारा, उसके द्वारा ये घटनाएं हो रही हैं? हाँ, उसी के द्वारा हो रही हैं, अतिक्रमण के द्वारा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।